नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुनीता जी, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, वो पूरे देश विदेश में जाके इसका जन प्रचार भी करती है। सुनीता जी, आपका ऐसे न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सर। सुनीता जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कौन सा काम किया था जो आज महिलाओं के लिए खास तौर पर, जो आज उनको सारी महिलाएँ इसे अच्छे से याद करती हैं, वो बताएँ। महिलाओं को उनको याद ही नहीं करना चाहिए, महिलाओं को उनको दिल से हमेशा इतना कृतज्ञ मानना चाहिए। मैं तो हर रोज़ उनको इतनी थैंकफुल होती हूँ कि अगर शुरुआत हम लीगल राइट से करें तो मैं ये देखती हूँ कि जब मैं पढ़ती हूँ इंग्लैंड का, उनकी हिस्ट्री पढ़ती हूँ या जर्मनी की देखती हूँ या इवन अमेरिका की भी, जहाँ पर राइट की बात जो हुई थी, सबसे पहले अमेरिकी रेवोल्यूशन से बात हुई थी, तो मैं ये देखती हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने भी वोटिंग राइट के लिए बहुत लंबा, और 1-2 साल का नहीं, कम से कम 10-15 साल उन्होंने वोटिंग राइट के लिए संघर्ष किया। और जबकि हमारी इंडियन हिस्ट्री में आप कभी नहीं देखेंगे कि भारतीय महिलाओं को वोटिंग राइट के लिए संघर्ष करना पड़ा हो। इसके पीछे जो सोच रही थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रही थी। उन्होंने जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, महिलाओं को सबसे पहले उन्होंने वोटिंग राइट दिया, और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस ज़माने में इतना ज़्यादा जेंडर को लेकर इनइक्वालिटी थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं आती। हमेशा महिलाओं को उन्होंने जॉब्स करने के लिए रास्ते उनके खोले, उनको इक्वल वेजेस की बात की, जबकि उस ज़माने में महिला और पुरुष को लेकर बहुत ज़्यादा जो था डिफरेंस था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं थे। इसके अलावा जो उन्होंने बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ की वो थी मैटरनिटी लीव की, जिसके लिए ना केवल SC, ST, OBC की महिलाएं, सामान्य महिलाओं को भी हमेशा उनको याद करना चाहिए और उनके लिए इस टाइप के प्रोग्राम्स करने चाहिए, खास तौर पर क्योंकि मैटरनिटी लीव जो थी वो डॉक्टर अम्बेडकर ने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस भी की और फर्स्ट टाइम उसको इम्प्लीमेंट भी किया। और जो उन्होंने तर्क रखा वो इस तरीके से लॉजिक रखते थे कि इवन अंग्रेज़ तक भी उनके सामने झुकते थे, और उन्होंने ये रखा कि जो बच्चा है वो राष्ट्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज का बच्चा ही तो कल का नागरिक बनेगा। तो ये पूरी तरीके से महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हिंदू कोड बिल का भी प्रावधान रखा, जिसमें उनको प्रॉपर्टी राइट्स दी, ताकि महिलाएं जो हैं वो उनको एक प्रॉपर्टी मिले और सम्मानित वो रह सकें। इसके अलावा भी उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, या जब डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने में तो पुरुष तो 2-2, 3-3 शादियां कर सकता था, लेकिन देखिए महिलाओं, अगर महिला विडो भी होती है तो भी उसको रीमैरिज का राइट नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को ना केवल डाइवोर्स का राइट दिया ताकि वो अपने अत्याचारी पति को छोड़ सकें, इसके अलावा उन्होंने विमेन जो विडो थी उनको रीमैरिज का भी राइट दिया। ये इतनी ऐसी बातें उन्होंने, इतनी बातों के कारण ही मैं उनको भारत का पहला फेमिनिस्ट मानती हूँ, पहला उनको नारीवाद मानती हूँ कि जिसने महिलाओं के बारे में इतना सोचा, उसको सम्मान दिया, उसको बराबर इक्वल राइट। आप थे प्रोफेसर सुनीता जी, जिन्होंने बताया कि पहले महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, और बराबर का अधिकार जिन्होंने दिया वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान के अंदर महिलाओं को बहुत अच्छी से पावर दिए और महिला सशक्तिकरण के अंदर उनको बहुत अच्छी भूमिका दी है। सुनीता जी, ऐसे मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।